अभी हम खेल रहे हैं केबीसी केबीसी लाइट हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी गाइज सुबह के 5 बजने वाले हैं। फिलहाल मैं उठ गया हूँ बिकॉज आज मेरे को जाना है दिल्ली इंडिया ट्रेड फेयर में जो कि दिल्ली में लगा हुआ है। तो काफ़ी एक्साइटिंग व्लॉग होने वाले, काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें, मुझे खुद नहीं पता लेकिन शॉपिंग करेंगे और मतलब काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो हाँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगा क्योंकि साल में सिर्फ एक ही बार लगता है वो। तो मेरा लास्ट टाइम प्लान में लास्ट टाइम भी नहीं आ पाया, लेकिन अब चलते हैं। मैं निर्मल भैया, दिव्यांश और अपना मैनेजर, क्योंकि पीयूष का स्कूल है, कुनाली का स्कूल, तो वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो अभी कहीं 5:30 बज गए, मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ। निर्मल भैया और दिव्यांश भी आ गए हैं, तो चलो अब चलते हैं। बाकी कोई तो उठा नहीं, मम्मी भी नहीं उठी, कोई भी नहीं उठा, हम चलते हैं। उठे हो क्या? मैं ब्लॉग कर रहा था, मम्मी कह रही मैं उठी उठी उची ठीक है, प्रणाम, ठीक है, आराम से जाना। हाँ, आराम से आऊँ। बाय और यो। तो चलो अब चलते हैं, और अभी अंधेरा ही हो रहा, देखो अभी उजाला ही नहीं हुआ। बाय। तो फाइनली गाइस निकल पड़े हल्द्वानी से, अब देखते हैं कब पहुंचेंगे दिल्ली। तो फाइनली गाइस दिल्ली पहुंच गए। ये देखो मेट्रो, डीटीसी और फ्लाईओवर, ये दिल्ली में ही होते हैं ना। तो अभी गाइस 12 बज गए, अभी तक हम नहीं पहुंचे, अभी तक 5 किलोमीटर दिखा रहे हैं, 5 किलोमीटर के 15 मिनट दिखा रहे हैं भाई। तो फाइनली गाइस प्रगति मैदान ट्रेड फेयर में पहुंच चुके हैं हम, अब जा रहे हैं अंदर, गाड़ी पार्क कर दी है और हमारे मैनेजर भी आ चुके हैं। अब दिखाते हैं आपको पूरा ट्रेड फेयर, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे, मेरे खुद को नहीं पता लेकिन मज़ा आने वाला है, एक्साइटेड हूँ मैं तो बहुत। तो गाइस पास दिखा के हम अंदर घुस गए, हमारे पास पास थे तो ये पास मिलता है देखो। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी स्टॉल पे, हॉबी क्राफ्ट वाली, और देखो यहाँ पे आज के मुख्य अतिथि सौरभ जोशी का स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू इसके लिए। गाइस यहाँ पे दो चीजें बहुत स्पेशल है मेरे लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एक तो ये देखो, ये देखो ये, और एक हमारी प्यारी अम्मा, यहाँ पे भी लिखा हुआ आर्ट बाय सौरभ जोशी। तो गाइस ऐसे ही बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे, तो चलो अब घूमते हैं। When you took my hand, said, let's leave now. Don't want... यहाँ पर सब्सक्राइबर से मिल रहे हैं, यहाँ मतलब मैं मीटअप करने आया, मुझे लग रहा है कपड़े वपड़े सब मिल रहे हैं भाई, सब्जी काटने का भी सामान है यहाँ पे देखो। फ्राइज बनाने के लिए सही है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ मम्मी के लिए ले लेता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे। चलो पूरा सेट ले लेते हैं, ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, चाइनीज फॉर नूडल फॉर बर्गर फॉर सैलेड, ठीक है ठीक है, और सेकंड वाले प्लेट से पीलिंग करेंगे, ठीक है ठीक है। थैंक यू, डेली देखती हूँ आपका। थैंक यू। तो गाइस पहली चीज तो ले ले मम्मी के लिए। भैया कुर्सी ऊपर क्यों लगाई आपने? अच्छा फोटो खिंचवाने के लिए, रिवर्स को। अच्छा अच्छा, इल्यूजन है। अरे करंट आ रहा है इसमें, बच्चों के लिए। तो भी गाइस घूमते फिरते हम फिर से पहुंच गए हॉबी कार्ड वाले स्टॉल पे, फिलहाल खाना खाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पिज्जा वीज़ा खाते हैं। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, अब हम जा रहे हैं और डोलने के लिए। मतलब इस तरह के ना यहाँ पे बहुत सारे, मतलब अभी तो हमने एक ही घूमा है, एक ही बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो ये वाली बिल्डिंग हमने पूरी घूम ली है, यहाँ पे जितनी भी स्टॉल्स हमने सारी देख ली है। तो गाइस अभी हम थे इस वाली बिल्डिंग के अंदर, तो इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स हैं, बहुत सारी। मेरे को लग रहा है हम एक दिन में घूम ही नहीं पाएंगे, हमें कल भी आना पड़ेगा शायद। तो अभी आगे दूसरी बिल्डिंग में, तो चलो चलते हैं इसके अंदर अब। गाइज अभी ट्रेड फेयर में उतनी भीड़ नहीं है बिकॉज हम आए हैं बिजनेस डेज में, अभी पब्लिक के लिए खुला नहीं है। पब्लिक के लिए जब खुलेगा ना तब बहुत भीड़ होगी, अभी खुला खुला था ना यहाँ पे, तो हम सही टाइम पे आ गए, अभी ज्यादा भीड़ नहीं है। दो हॉल हमने घूम लिया, तीसरे हॉल चलते हैं। तो अभी गाइज हमको हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं, ये घुमा रहे हैं हमको। क्या नाम है आपका? अजय। तो गाइज यहाँ पे सारी इंटरनेशनल चीजें भी हैं, तो चलो देखते हैं अब। गाइज यहाँ प्रगति मैदान में ना बहुत सारे हॉल्स होते हैं, अभी नए भी बन रहे हैं, तो उन हॉल्स के अंदर ही सब कुछ होता है। तो गाइज अभी हम आ गए तीसरे हॉल में। गाइज इस वाले हॉल में ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे मतलब इंडिया के सारे स्टेट्स के स्टॉल लगे हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का है तो इसके अंदर सारी उत्तर प्रदेश की चीज़ें मिलेंगी। ये है बिहार का, इसके अंदर सारी बिहार की चीज़ें होंगी। यहाँ पर सारी चीज़ें हाथों से बनी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे सारी हाथों से बनी हुई हैं। तो ये है महाराष्ट्र का। तो गाइज यहाँ पे आपको महाराष्ट्र रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें। तो ऐसे मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं ना,
तो सबके यहाँ पे स्टॉल इस टाइप के स्टॉल जैसे लगे होंगे, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ होगा और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी जैसे बिहार उत्तराखंड का देखेंगे। तो गाइस ये थी सारी महाराष्ट्रियन स्टॉल्स यहाँ से लेके वहाँ तक। अब मैं आपको सारी तो दिखा नहीं सकता, गाइस बहुत बड़ा ट्रेड फेयर है, जब से हम चले जा रहे भाई खत्म ही नहीं हो रहा। तो गाइस ये स्टॉल है अफगानिस्तान का, सारे ड्राई फ्रूट यहाँ पे अफगानिस्तान से हैं, ये सारे अफगानिस्तान से। हाँ इनके बादाम भी अलग हैं, पिस्ता भी अलग है। तो अब हम आ गए थाईलैंड। तो गाइस अब हम आ चुके हैं भारतीय रेल। तो मतलब आना चाहिए यहाँ पे, एक दिन का टाइम निकाल के सबको आना चाहिए दिल्ली में ट्रेड फेयर में ना। अच्छा वंदे भारत फास्टेस्ट है इसमें, इंडियन ट्रेन के बारे में सब कुछ। जी अभी हम खेल रहे हैं केबीसी केबीसी लाइट। कौन कह रहा है डी? इंडियन रेलवे भी देख लिया, उसमें काफी सारी चीज देखी हमने। गाइज अब तो मैं लिटरली थक गया, मेरा मतलब चलने का मन ही नहीं कर रहा। तो अभी गाइज तीसरे हॉल से बाहर निकल गए, अब यहाँ पे और भी हॉल्स बाकी हैं तो हम कल जाएंगे। अभी हम निकल रहे हैं, पहले कुछ खा लेते हैं बिकॉज बहुत देर से डोल रहे हैं ना, भूख लग रही है। तो गाइज ये यहाँ का फूड कोर्ट, यहाँ पे सारा खाना पीने का सामान मिलता है, तो चलो यहीं बैठते हैं हम सब। गाइज यहाँ तो बैठने की जगह ही नहीं मिल रही हमको, पूरा भरा हुआ है। तो अब हम खाएंगे राजमा चावल मंगाए हमने। तो गाइज खाना पीना हो चुका है तो अब चलते हैं यहाँ से। तो अब गाइज जा रहे हैं वापस। ये देखो 8 किलोमीटर के 20 मिनट। तो अभी गाइज हम पहुंच गए हैं पारस भाई घर पे, तो आज रात को यहीं पे रुकेंगे, एडिटिंग वगैरह करता हूँ और फिर कल चलेंगे वापस ट्रेड फेयर में। तो आज के लिए मुझे ये रूम मिला है एडिटिंग के लिए, तो यहीं पे मस्त एडिटिंग करते हैं। गाइज मैं कहीं भी जाऊँ, एक चीज बेस्ट लगती है आप लोगों से मिलना, जो मुझे फैमिलीज मिलती है, इतनी फैमिलीज मिली, इतने सब्सक्राइबर्स मिले, तो हाँ मतलब बताते हैं कि हमको क्या अच्छा लगता है, किस तरह से हम देखते हैं, जो लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, तो हाँ मतलब काफ़ी अच्छा लगता है सबसे मिलके। जैसे कि आज इतने सब्सक्राइबर से मिला ना, इतने सब्सक्राइबर से मैं वहाँ व्लॉग कम कर पाया, मैं चीज़ें कम देखी, बट मैं सबसे मिला जितने मुझे मिले, तो हाँ काफ़ी अच्छा लगा और कल भी मिलेंगे सबसे। तो चलो फिलहाल एडिटिंग शुरू करते हैं। तो अभी गाइस रात के 12 बजने वाले, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और भाई मेरे दोनों पैरों में इतनी तेज़ दर्द हो रही है ना, बिकॉज 6 घंटे ड्राइव भी किया था और ऊपर से 6-7 किलोमीटर पैदल भी चल लिया प्रगति मैदान में। तो अब फिलहाल मैं सोता हूँ बिकॉज कल दोबारा से पैदल चलना है, पूरा घूमना है, आप लोगों को भी दिखाऊंगा नई नई चीज़ जो भी दिखेंगी। चलो फिलहाल मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। घूमने का मन ही नहीं कर रहा गाइस, अब तो मैं लिटरली थक गया यार।